हेलो, वेलकम टू टेल्स टेम्पटेशन एंड ट्रैवल। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग से, तो ये देखिए छोटा सा रिकैप, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे ब्लॉग में। बेटे को स्कूल ड्रॉप करने गई थी, तो वहीं पर कुछ सामान भी चाहिए था। साथ में ही सुपरमार्केट है, तो वहीं चले गए थे। तो वहाँ से जो शॉपिंग की, वही सब मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, एक दो घर के सामान, तो बस वही परचेज कर रही हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। जो ख़रीदारी करनी थी वो मेरी हो गई है, छोटे मोटे सामान थे ले लिया है। तो चले घर की तरफ, स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर ही अवे है फ्रॉम माय हाउस। तो अब घर के चलते हैं, अपार्टमेंट में एंट्री हो गई, अब घर के ले चलती हूँ। ऐसा लग रहा है एकता कपूर का सीरियल है, आपको तुलसी स्वागत कर रही है घर के अंदर, कहानी घर घर की। तो चलिए अब ले चलती हूँ आपको मेरे ये हॉल में। देखिए कितना मैस हो रखा है पूरा, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी होती है, इतना रश रहता है। तो उसके कपड़े वगैरह चेंज करके सारे कपड़े इधर उधर ही फैले हुए हैं। रूम थोड़ा अंधेरा लग रहा है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बाहर बहुत बादल छाए हुए हैं और अंदर आई थी, मैंने लाइट भी ऑन नहीं किया हुआ। और ये सब क्लीनिंग कर रही हूँ, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। एंड उसके बाद थोड़ा सा ऑफिस के जो अपना रिव्यू मीटिंग रहता है मेरा, वो अटेंड कर लिया, थोड़ा सा काम कर रही हूँ। उसके बाद तो फिर खाना पकाना, ये वो बेबी आने के बाद जब तक तो सोता नहीं है मेरा, फिर काम नहीं होता अच्छी तरह। तो उससे पहले ही मैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट काम वगैरह निपटा लेती हूँ। वर्क फ्रॉम होम है तो ये मेरा प्रिविलेज है। अब देखिए स्कूल से आ चुका है, उसने बोला कि बाहर खेलने जाना है क्योंकि वेदर भी अच्छा था। तो मैंने कहा चलो ले चलते हैं थोड़ी देर के लिए उसको। तो ये यहाँ अपना इंजॉय कर रहा है, और यहाँ सैंड है, सैंड में खूब उसको मज़े आ रहे थे खेलने में, तो ये सैंड इंजॉय कर रहा है, स्लाइडिंग वगैरह। तो बच्चों को खेलने भी लेके जाना चाहिए, उनको भी अच्छा लगता है, और थोड़ा सा बच्चों को कभी कभी छोड़ देना चाहिए मिट्टी धूल में, ताकि वो अपना इंजॉय करे सैंड वगैरह धूल मिट्टी। तो बस यही है, आप मेरे वीडियो में बने रहिए। आगे मैं आपको दिखाऊंगी आज के ब्लॉग में मैंने क्या क्या कैप्चर किया है, क्या क्या हुआ है, और लंच बनाने की तैयारी। तो आप मेरा लंच का फुल प्रोसेस जो भी मैंने दिखाया है वो एंजॉय कीजिए। बैगन की सूखी सब्ज़ी बना ली है मैं इस मॉर्निंग में ही, जब मैं उठ जाती हूँ उसके बाद मैं 7 o'clock अराउंड
ये अरबी की अरबी है, अरबी को मैंने बॉईल करके रख दिया था ताकि दिन को जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो मैं पहले ही तैयारी करके रख लेती हूँ ताकि खाना बनाते हुए हासिल ना हो, इतना प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि मैंने बैंगन वगैरह भी धो के अच्छी तरह आलू वगैरह छिल के रख दिया था, टमाटो काट के सारे मसाले वो प्लेट में रख दिए थे, और इसी तरीके से यहाँ भी मैंने अरबी बॉईल करके छिल के उसको काट के मैंने सुबह ही रख दिया था। तो बाद में जैसे टाइम मिलता है मैं बस बना लेती हूँ। तो बस ऐसे ही चलता है मेरी लाइफ, इसी तरीके से ऑफिस घर मैनेज हो जाता है, ऑफिस घर बच्चा तो अभी तक मैनेज हो रहा है। इसलिए मेरे वीडियो बहुत लंबे नहीं होते, 5-7 मिनट के ही रहते हैं, क्योंकि जितना मैं कैप्चर कर पाती हूँ थोड़ी बहुत इधर उधर कहीं, मैं वही कैप्चर करके दिखाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे अच्छे ब्लॉग्स बने, मैं अच्छा ब्लॉगिंग कर पाऊँ। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस ब्लॉग में फुल टाइम दे पाऊँ और अच्छा कर पाऊँ। सो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड सपोर्ट मी। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, जो भी आप लोग देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर दिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड तक देखिए। थैंक यू, टेक केयर।